जयश्रीराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मैं आया हूँ यार गाड़ी लेके धर्मशाला। रात को मैंने ब्लॉग नहीं किया, अभी जस्ट उठा, सुबह तकरीबन 4:30 के आसपास पहुँचा था। तो क्या चक्कर था दोस्तों कि मुझे ये नहीं पता है कि मैंने गाड़ी लेके कहाँ जाना है, डीलर कहाँ पे है। डीलर को कॉल किया तो उसने बोला कि आपने पता नहीं कोई स्टेशन बताया जैतरू, वहाँ से टर्न होना था, आप आगे चले गए। तो अभी किसी लोकल बंदे से पूछता हूँ कि भाई जैतरू के लिए रोड कहाँ से गया है ना। बाकी आपको इधर उधर का सीन दिखाऊं तो कुछ ऐसा है, चेक कीजिए। और मैं कुछ ऐसी जगह हूं दोस्तों, यहां से मे भी वापस जाना पड़ेगा मेरे को धर्मशाला की ओर, नीचे की ओर। ये रोड मैक्लोडगंज के लिए चला गया, तो यहां से वापस जाऊंगा नीचे की तरफ और फिर आगे किसी से पूछता हूं कि भाई चैथलू के लिए कौन सा रोड गया। अभी निकलते हैं यहां से। तो दोस्तों अभी पड़े हैं कुछ ऐसे रोड में, भाई मैं ना गाड़ी लेके आगे आ गया हूँ, पीछे से कट था, बट उन्होंने बोला कि गाड़ी यहीं पर ही अनलोड करवा दूंगा आपकी भाई जी आगे जैसे कहीं भी है ना। तो इसी रोड में घुस गया हूँ, कोई लिंक सा रोड है धर्मशाला से आगे माता कुणाल पथरी रोड में। यहाँ लगाता हूँ कहीं आगे गाड़ी यार, देखता हूँ यार, मुझे पता नहीं चला ना एग्जैक्ट कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अरे भाई साहब जगह नहीं है यार, जगह देखनी पड़ेगी गाड़ी लगाने के लिए। दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और भाई अब गाड़ी जो होगी अनलोड वो होगी शाम के 6 बजे। मैं थोड़ा सा गलत आ गया हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया हूँ, एंड गाड़ी मैंने मेन रोड से साइड में लगाई क्योंकि यहाँ पे चलान बहुत तगड़े होते हैं यार। तो अभी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, चार्जिंग करनी है फ़ोन में, और कुछ खा भी आते हैं उसके बाद वापस आते हैं। 6 बजे तक का टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। ये देखोगे आप इस तरह के कुछ सड़क में हूँ, ये मैक्लोडगंज वाली सड़क है आगे से। दोस्तों अभी कुछ ऐसी जगह है, सोच रहा हूँ कुछ खा लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं अगला सीन। चार्जिंग नहीं है फोन में यार, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मना कर रहे हैं। पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद पॉइंट का सीन भी देखते हैं, कहीं ना कहीं तो चार्जिंग करनी पड़ेगी। सो दोस्तों ये रहे हमारे परांठे, मिक्स परांठे और अचार, तो अपन अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। सो दोस्तों दिन के बज रहे 1:15 और अभी हम हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे धर्मशाला की मार्केट की ओर जा रहे हैं। और भाई बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट फ़ोन चार्ज किया, 30-35% चार्जिंग हो गई है। ब्लॉग करने लायक वैसे हो ही गया तकरीबन है ना। तो नीचे की तरफ चलते हैं, पहले नीचे देख के आते हैं मार्केट किस तरह की मार्केट है। और भाई ये देखिए आप, ये वाला रोड ना जिस रोड में मेरी गाड़ी है ऊपर, ये मैक्लोडगंज के लिए निकल गया। अगर अभी टाइम लगा तो मैक्लोडगंज भी चलेंगे। पहले क्या करते हैं कि मार्केट तक गेड़ा मार के आते हैं छोटा सा, वैसे भी बोर हो रहे हैं, चाय वाय भी पीते हैं, फिर अगला सोचते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं। सो दोस्तों अभी हम आए हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, देख रहे हो आप आगे भाई, यहाँ से ना नज़ारा बड़ा गजब का है यार। अब पता नहीं अंदर जाने देते होंगे या नहीं, आ गए हम लोग, देते होंगे तब भी ठीक, नहीं देते होंगे तब भी ठीक, पर नज़ारा देखो आप क्या गजब का है, क्या गजब की जगह बना रखा है यार ये है ना। तो दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम तो बंद था क्योंकि यहाँ पे टेस्ट मैच होने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। तो अभी अपन आ गए कुछ इस तरह की लोकेशन पे, कोई पार्क है यार, पढ़ा नहीं नाम मैंने, वैसे बाहर जाके जब बाहर को जाऊँगा तब पढ़ूँगा, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा है, मेरे को बड़ा गजब का लग रहा है यार है ना। अगर आप लोग धर्मशाला आओ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना, यहाँ ज़रूर आना। तो अभी अपन घूमते हैं थोड़ा इधर उधर। दोस्तों अगर आप ये चेक करोगे तो एक प्रॉपर इंडिया का मैप बना हुआ है ना, देख रहे हो किस तरह का गजब का मैप बना हुआ है। और अपन यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे। एक्चुअली क्या सीन है, गाड़ी अपनी 5 बजे के बाद अनलोड होगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इधर उधर चल लेते हैं, फ़ोन में चार्जिंग भी कर लेते हैं, वो काम भी अपना हो जाएगा है ना। आप लोग अगर कभी भी आओगे धर्मशाला तो यहाँ ज़रूर आना दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी जगह है। Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight.
दोस्तों, तकरीबन 2 बजने लग गए एंड ये ना कोई आर्मी वालों का पार्क है। आप यहाँ इधर उधर देखोगे तो सारा जितना भी है वो सारा ही आर्मी वालों का ही एरिया है। अभी चलते हैं, थोड़ी चाय वाय पियेंगे, फ़ोन में चार्जिंग करेंगे, थक भी गए चल चल के अब, है ना। उसको अपनी गाड़ी के पास चलते हैं क्योंकि 4:30 बजे तक अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाएंगे, फिर गाड़ी करेंगे अनलोड, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों ये गाड़ी लेके आए हैं हम यहाँ पे धर्मशाला में, देख सकते हैं अपनी गाड़ी। दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 7 और अभी आया कुछ ऐसी जगह, आपको मैं जगह दिखाऊं तो कोई होटल यहाँ पे बन रहा है ना, देख रहे हो रिजॉर्ट फीलिंग है पूरी। और गाड़ी अपनी वो लगी यहाँ पे अनलोडिंग के लिए, और ये भी पूरा एक बन रहा है जो आपको दिख रहा है सामने, है ना। गाड़ी अपनी उस पॉइंट पर लगी हुई अनलोडिंग के लिए, यहाँ पर अपनी गाड़ी उतरेगी। और इधर उधर का आप सीन देखोगे ना तो बहुत ही गजब है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कमाल का एक रिजॉर्ट बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हो। अभी क्या करते हैं कि फ़ोन में चार्जिंग कर लेते हैं, यार फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। सेम इस पॉइंट से अपनी गाड़ी ऊपर को आई, और भाई यहाँ तो पूल भी है, आपको मैं पूल दिखाऊं, देख रहे हो भाई गजब का एक नज़ारा है। और ये रहा पूल दोस्तों, यहाँ पे हेयर इज़ द पूल आपके सामने, देख रहे हो ये रहा पूल बिल्कुल एग्जैक्ट। अब क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में चार्जिंग कर लेते हैं, फ़ोन चार्जिंग को लगा लेते हैं और गाड़ी अनलोड करते हुए देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा, उसके बाद अगला सीन देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। बहुत ही गजब का नज़ारा है यार यहाँ से, बहुत ही प्यारा लग रहा है रिजॉर्ट देखने में। और गाड़ी ये रही यहाँ पे, तो रात के बज रहे हैं 9 और गाड़ी अनलोड होके निकल चुकी है, बस गेट से बाहर आउट करूँगा और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से कंटिन्यू अपने सफ़र में, लेट्स गो। सो दोस्तों 10:10 है और मैं तकरीबन चैतड़ू ऐसा नाम है कुछ वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और भाई एक आइटम है, पहले ही प्रेशर नहीं है भाई, वहाँ कर ले। दोस्तों इस गाड़ी में क्या फॉल्ट है कि प्रेशर नहीं टिक रहा यार, है ना, तो गाड़ी चलाने पड़ रही है थोड़े हिसाब से ही। कल लोड भी कुछ इस कदर लाने पड़ी है और रोड भी अभी काफ़ी अच्छा है, स्पीड भी हमारी काफ़ी अच्छी बन रही है। तो अभी चलेंगे नादौन, खाएंगे खाना वगैरह, उसके बाद देखेंगे। अभी फॉल्ट पड़ गया था एक, वो मैं आपको रुक के बताऊँगा जब मैं आगे रुकूँगा, अभी सफ़र करते हैं। सो दोस्तों रात के बज रहे हैं 12 और मैं पहुँचा अभी नादौन से थोड़ा आगे। तो भाई सुबह से ना खाना नहीं खाया था, तो खाना खाया, परांठा वगैरह खाया था उस टाइम आपके सामने, तो अभी खाना खाया। अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब कुछ मतलब शरीर में गया। क्या हुआ था कि पंपों वाली जो तार है वो सिंगल रोड में और नो एंट्री वाले रोड में क्रैक हो गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। फिर एकदम से मैं बहुत मतलब एकदम से परेशान हो गया कि ये क्या हुआ क्या हुआ। सीटें उठाई, पंप वाली तार देखी ठीक थी, बाहर गया मैं कहा डीजल तो निकल खत्म हो गया, डीजल देखा ठीक था, तो यहाँ से मीटर ब्लेड के नीचे तार जहाँ से कनेक्शन होता है वहाँ से देखा तो वहाँ से वो क्रैक हो गई थी। फिर वहाँ से फिर से कनेक्ट दिया और फिर आए, फिर रिसीविंग ली, फिर एक दूसरे रोड से वापस आए। अब तकरीबन सफ़र हो चुका है, अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से चलूँगा घुमारमी या घुमारमी से आगे तक मैक्सिमम, फिर सो जाऊँगा, फिर वहाँ से सुबह चलूँगा। तो अभी निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, गाड़ी करते हैं स्टार्ट, फिर करते हैं अपना सफ़र शुरू। दोस्तों टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी जा रहा हूँ वापस। रात को सो गया था यार, लेट हो गया था, देखो आगे धुंध पड़ी हुई है, बड़ी गजब की धुंध पड़ी हुई है यार, है ना। तो ब्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, चैनल करें सब्सक्राइब। अभी के लिए जय श्री राम।